पहाड़ी के बीच चुमेगा, लेकिन बरकतुल्ला खान स्टेडियम के छत से नीचे उतर चुका है। उसकी कुछ किरणें अब तक पहुंच रही है। और अगर मैं इसको आज के समाज से, मैं ना जब यहाँ पे आया तो मुझे पता चला यहाँ पे अभी राजस्थान के सीएम श्रीमान अशोक गहलोत जी भी आने वाले हैं, ठीक है। तो वो भी आपको बताने की कोशिश, अमर दहन का जो प्रोग्राम है ना वो फाइनली खत्म हो चुका है। खैर खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का ये व्लॉग है वो विजयदशमी पर ही जो बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो आज मैं जाने वाला हूँ जोधपुर के रावण दहन मैदान के अंदर। वहाँ पे मैं आपको नज़ारा बताने वाला हूँ कि किस तरीके से जोधपुर के अंदर जो रावण दहन होता है। और ये जो मैं जिस जगह का आपको व्लॉग बताने वाला हूँ, ये जोधपुर का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर सबसे बड़े जो मतलब मात्रा में यहाँ पे लोग आते हैं और रावण दहन का जो कार्यक्रम होता है। और उसके अलावा यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ वो ये कि जोधपुर ही वह जगह है जो कि रावण के ससुराल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो फिर मैं जाने वाला हूँ वहीं पर, और जो व्लॉग है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो हमारे साथ चलने वाले हैं पंकज भैया, जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे खड़े हैं। और मैं और पंकज भाई जाएंगे और आपको बहुत ही बेहतरीन वाला नज़ारा बताने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि आप जस्ट ये देखें कि रावण के ससुराल के अंदर ही रावण का दहन, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग है, तो ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज का ये ब्लॉग शुरू करते हैं। गाइस, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है बरकतुल्ला खान स्टेडियम, और यहाँ से भी एंट्री है। कुछ लोग यहाँ से भी जा रहे हैं और रावण दहन का जो प्रोग्राम है वो देख सकते हैं। और उसके अलावा ये जो रोड है ना वो जाता है बारहवीं रोड की तरफ, ठीक है। तो बारहवीं रोड के बिल्कुल पास में ही कहें या फिर बरकतुल्ला खान क्रिकेट स्टेडियम है उसके बिल्कुल पास में ही रावण दहन का जो प्रोग्राम हो रहा है। तो यहाँ से भी एंट्री होती है और वहाँ से भी एंट्री होती है। तो हम जाएंगे मेन गेट से, क्योंकि आप लोगों को काफ़ी कुछ बताना है। लोग है ना वो आने शुरू हो गए हैं, जैसा कि ऑलमोस्ट 6 बजे के आसपास है ना रावण दहन होता है। और अभी जो लोग है ना काफ़ी सारे आने शुरू हो गए हैं मैदान के अंदर। सच बताएं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पब्लिक होती है। आप जस्ट खुद देख लेंगे और आप कहेंगे कि मतलब ये तो मैदान थोड़ा छोटा है, वरना और भी ज़्यादा लोग आते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोग आते हैं। और व्यवस्था है ना वो भी तगड़ी है, मैंने कल ही जाके देख लिया था और आज भी आपको बताएँगे। कुछ फॉरेनर है वो भी देखने आए। अभी ना हम पहुँच चुके हैं मेन गेट पे और यहीं से एंट्री होगी, जैसा पीछे देख रहे ना यहीं से। तो भाई ये जो मेन गेट है यहीं से एंट्री होने वाली है, और आगे जो पुतले ना वो भी आपको दिख रहे होंगे। तो भाई मैं और पंकज भाई ना फाइनली एंटर हो चुके हैं रावण मैदान जो है जहाँ पे दहन होने वाला उसके अंदर। आप जैसे पीछे का नज़ारा देख रहे हैं ना, यहीं से अब जो लोगों की भीड़ है ना वो शुरू हो चुकी है। और ये सच बताएं अभी तो हम थोड़े जल्दी आए क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करना था ना उसके लिए। और लेकिन ये ना जहाँ पे हम खड़े हैं ना यहाँ तक लोग आ जाएंगे और काफ़ी बेहतरीन नज़ारा होने वाला, ठीक है। देखिए सिक्योरिटी के लिए ना पुलिस को किस तरीके से खड़ा किया है वो भी आप देख सकते हैं। और जगह जगह पर जो बांस के ना वो भी एक तरीके से कह सकते हैं बॉर्डर बनाए गए हैं ताकि व्यवस्था बनी रहे। तो भाई ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं ना, ये है फाइनली जो बिल्कुल जो पुतले लगे हुए हैं रावण के और उनके मेघनाथ इनके। तो आप ये पुतले सारे देख रहे हैं, हर बार 3 होते हैं, इस बार 2, 4, 5 पुतले हैं, न जाने किन किन के मुझे नहीं है पता। लेकिन आप जस्ट देखिए यहाँ पे अभी स्पीच चल रही है, और उसके अलावा काफ़ी सारे मात्रा में जो लोग आ चुके हैं, और थोड़ी दहन के अंदर यहाँ पर दहन होगा वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। और इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत के बाद हम देखेंगे थोड़ी ही देर बाद में जब भगवान श्री राम का रथ। मैं ना जब यहाँ पे आया तो मुझे पता चला यहाँ पे अभी राजस्थान के सीएम श्रीमान अशोक गहलोत जी भी आने वाले हैं, ठीक है। तो वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे कि अशोक गहलोत जी को भी आपको बताएं, ठीक है। आपको पता था कि अशोक गहलोत जी आ रहे हैं? नहीं पता था, अभी जस्ट अभी पता चला हमें भी ना, यहाँ से जाने की जगह भी नहीं मिल पाए। तो भी हम नगर निगम उत्तर और दक्षिण की तरफ से उनका स्वागत करते हैं, चाहे नाम लें या ना लें, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। और खास स्वागत हम करते हैं जोधपुर के नागरिकों का, जोधपुर के बाशिंदों का। केवल मीडिया पर्सन को छोड़कर केवल इस मैदान के बीच में टहल रहे हैं, वो जरा अपने स्थानों पर बैठ जाए। इधर हम जग रहे हैं, दर्शन पूजा में भी काफी कुर्सियां खाली हैं, वहाँ अपने स्थान पर बैठने का कष्ट करें। आरएसी और राजस्थान पुलिस का बैंड का वादन आज तक पहुंचेगा। इस बीच
हम काफी जानकारियां जो हम तक लगातार पहुंच रही है उसे पहुंचा। खुशी का वातावरण आज इस मैदान पर हुआ है और ऐसा इसलिए भी संभव हुआ है क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री खुद हमारे बीच में मौजूद हैं। ये निश्चित रूप से बहुत ही खुशी का माहौल है और जोधपुर के लिए बहुत अत्यंत प्रेरणादायी भी है। और चैनल के स्टार कैमरा पर्सन राज वैष्णव, दूसरी तरफ आर्य जहां भी हो, विदेश में भी हो, तो अपने शहर अपने जोधपुर में आना नहीं भूल। जोधपुर एकदम से भर गया है और यही जो शोर है, ये जो अंदर की प्रेरणा है, उत्साह है, इसी के लिए आज हम सभी यहाँ इकट्ठा होते हैं। इससे प्रेरणा लेने के लिए इकट्ठा होते हैं, राम के चरित्र से प्रेरणा लेने के लिए इकट्ठा होते हैं। और जो रावण का जो वध किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय से जो हमको प्रेरणा मिलती है, जो हमें अंदर से जो इच्छा होती है उसको मारने की, उसके लिए हम यहाँ इकट्ठा होते हैं। आप देख सकते हैं हनुमान जी अपनी गदा इस समय लहरा रहे हैं और उनका गदा जो लहराना है और खड़े होकर जिस तरह से वो गदा लहरा रहे हैं, वो इसका प्रतीक है कि राम आ चुके हैं। से तालियां बजाने की, स्वागत करने की, लेकिन जिस तरह से अभिनंदन कर रहे हैं, प्रणाम वंदन कर रहे हैं भगवान श्री राम का और हनुमान जी का, तो एक बार फिर आप अपनी जगह पर जब खड़े हैं उनसे निवेदन करूंगा कि तालियां बजाकर। क्या बात है, ये हमारा जोधपुर है। जो लोग है ना बहुत ही ज्यादा मात्रा में आ चुके हैं, ठीक है, जैसे आप पीछे देख रहे हैं ना, काफी ज्यादा मात्रा में आ चुके हैं। और अब रावण के दहन का जो कार्यक्रम है वो भी शुरू होने वाला है, ठीक है, तो वो भी बताते हैं। सामान लेकर मैं निवेदन पहाड़ी के बीच छुपेगा, लेकिन बरकतुल्ला खान स्टेडियम के छत से नीचे उतर चुका है, उसकी कुछ किरणें हम तक पहुंच रही है। और अगर मैं इसको आज के समाज से लिंक करूँ तो कुछ दो शब्द और कहना चाहूंगा कि आज जो आतंकवाद और दरबांगता रूपी रावण हमारे समाज में फैली हुई है, भाई साहब आप दौड़ते हुए आ रहे हैं राम बीच मैदान से। आप और आतिशबाजी भी शुरू हो चुकी है, ये मैदान पर आसमान पर आतिशबाजी मंच पर बैठे हैं, ये मंच भी बहुत रिस्की है यहाँ पर बहुत। और जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि पिछले दो वर्षों की निराशा थी, लगता है कि इस आतिशबाजी के साथ उसका अंत हो गया है। जो इतना कष्ट की जनता ने पूरे हमारे देश की वितरित की जाती है, वो खुशियाँ भी हमारे सलामी मंच तक, हमारे कॉमेंटेटर बॉक्स तक पहुँच चुके हैं। और साथ ही जो हम बताना चाहेंगे कि आप कई जगह यहाँ पर तुलसी के पत्र हिंदुस्तान में वितरित किए जाते हैं। फाइनली खत्म हो चुका है, खैर खत्म तो नहीं हुआ लेकिन हम वापस जा रहे हैं, ठीक है। दरअसल क्या है कि ये आप जैसा कि पीछे देख रहे हैं ना, बहुत ही ज्यादा मात्रा में आतिशबाजी हो रही है। पंकज भाई मजा आया है ना? लेकिन यार हम ना थोड़े आगे नहीं जा पाए, लेट हो गए थे ना, उस वजह से हम आगे नहीं जा पाए और यहाँ से हम अभी वापस जा रहे हैं, क्योंकि बाद में यहाँ से निकलने में बहुत ज्यादा समस्या हो जाती है और पंकज भाई को ना वापस जाना है, कहीं पे जाना है और आज इनका जन्मदिन भी है, ठीक है। तो एक बार फिर से आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, ठीक है, ओके। अभी ना आप देख रहे हैं सभी लोग रावण दहन देखकर अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं और यही जो ना एक तरीके से कह सकते हैं मेन गेट है, और ये जो रास्ता जाता है बारहवीं रोड की तरफ, ठीक है, और ये जो रास्ता जाता है पाल रोड का है या फिर बरकतुल्ला खान क्रिकेट स्टेडियम का है, ठीक है। तो ये देखिए अभी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आए थे लोग यहाँ पर रावण दहन को देखने के लिए। गाइस आप देख सकते हैं अभी भी आतिशबाजी है,
वो आसमान में अभी भी चल रही है, और उसके अलावा जो लोग हैं वो अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। आप जैसा कि पीछे का ये नज़ारा देख सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं कि आपको आज का ये ब्लॉग कैसा लगा, और अगर कुछ भी सजेशन हो तो वो भी आप मुझे कमेंट में आके ज़रूर बता सकते हैं। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो ब्लॉग को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मैं आपसे मिलता हूँ के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखना।